ब्लॉग में मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रे, क्योंकि आज है 6 अप्रैल और आज से स्टार्ट हो गए हैं नवरात्रे। तो आज के दिन हर किसी के घर में एक ना एक तो जैन व्रत होता ही है, एक ना एक जैन का। तो व्रत में मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और व्रत में ये बनाई जाती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज सिंगाड़े की आटे की पूरियाँ। तो आप लोग भी देख लीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घर में, और ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, तो चलिए चलते हैं फिर। देखिए गाइस, सिंगाड़े की पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिए है यहाँ पे बॉयल आलू, ये मैंने बॉयल कर लिए हैं और उनको छील लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 6 बॉयल आलू लिए हैं, और यहाँ पर मैंने ले रखा है सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक का ही यूज़ होता है व्रत में। और यहाँ पर मैंने ली है धनिया की पत्ती जो कि मैंने बारीक कट कर ली है, यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और ये है हरी मिर्च, और ये है सिंघाड़े का आटा जो कि मैंने पूरे व्रत के लिए अभी से ही यहाँ पे छान के रख लिया है। तो मैं यहाँ से डालूँगी जिसमें मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने ये एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें जो ये बॉयल आलू हैं इनको मैश कर लूँगी मैं इसमें। तो इस तरीके से मैं हाथों से ही इनको मैश करूँगी, और व्रत में आलू का यूज़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। व्रत में ज़्यादातर आलू ही खाए जाते हैं, चाहे आप बॉयल आलू बनाएं चाहे उसकी आप ऐसे ही कट करके सब्जी बना लीजिए। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर सारे के सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें से आटा, मुझे जितना चाहिए पूरियों के लिए मैं उतना डालूंगी। तो मैं यहाँ से आटा डाल रही हूँ, अब इस टीस्पून का मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, 2, 3, 4 और ये कि 5, मैंने 5 चम्मच डाल लिया है। और अभी मैं मैश करके देख लूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो अब उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्च, और फिर डालूँगी मैं इसमें अमचूर पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हल्की सी डालनी है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। मैंने यहाँ पर डाली है इस स्पून का 1 स्पून, और हल्की सी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, तो मैंने हल्दी भी इसमें डाल दी है। और अब मैं लास्ट में इसमें सेंधा नमक डालूंगी, तो मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो गाइस, जो ये जो सिंगाड़े के आटे की पूरियाँ हैं ये बिना आलू के नहीं बनती हैं, तो ये आलू ही डाल के बनती है। तो अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, और मैं इसी तरीके से इसको हाथ से मैश करूँगी। तो मैं कह रही थी कि जो सिंगाड़े के आटे की पूरियाँ होती हैं वो बिना आलू के नहीं बनती है, आलू से इसको टाइटनेस मिलती है इसलिए। तो ये देखिए ये मैंने आटा गूंथ के रेडी कर लिया है, और अब मैं इसकी बनाऊंगी पूरियाँ। और मैंने इसको इस छोटे बर्तन में रख लिया और अपना हैंड भी वॉश कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा आटा हाथों में चिपक जाता है। तो देखिए आप इस तरीके से लेके इसकी इस तरीके से आप बनाइए पूरियाँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है, और इसमें जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली थी वो इसमें साफ साफ दिख रही है यहाँ से। तो मैं पहले सारी पूरियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी पूरियाँ बना के रेडी कर ली है इस तरीके से, और अब इन्हें करेंगे हम लोग फ्राई। तो ये देखिए,
और आपको याद रखना है कि पूरियाँ ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, मैंने इसको मीडियम ही रखा है। अगर ज़्यादा मोटी बनाएंगे आप तो अंदर से ही कच्ची लगेगी। तो देखिए ये सब तैयार होगी, तो चलिए इनको करते हैं अब फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल रख लिया है, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल गरम हो चुका है, ऑयल को अच्छे से गरम कर देना है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये पूरियाँ। तो पहले मैं सारी डाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने सारी पूरियाँ इसमें डाल दी हैं। इसमें मैंने अभी 4 पूरियाँ डाली हैं क्योंकि ऑयल मैंने थोड़ा कम ही डाला था इसमें, और फ्लेम अभी तेज ही है इसकी। फ्लेम हमें हाई रखनी है, लो नहीं करनी है। इसका लुक बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है जैसे कि ये टिक्की होगी। तो ये देखिए तो पहले मैं कर लेती हूँ सारी फ्राई, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारे सिंगाड़े की आटे की पूरियाँ, चाहे टिक्कियाँ कुछ भी बोल सकते हैं आप। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है और काफ़ी परफेक्ट बनी है। तो ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये काफ़ी गर्म है अभी। तो ये देखिए, तो ये थी मेरी आज नवरात्रि की डिश रेसिपी जो मैं आप लोग के संग शेयर करना चाहती थी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और आप लोग भी इस नवरात्रि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए गाइस फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। ओके बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।